नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा अपडेट, सबसे पहले सबसे तेज। साथियों नमस्कार, हरियाणा अपडेट में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका अपना जितेंद्र जोनी। साथियों आज कैना के सिविल अस्पताल में महेंद्रगढ़ जिले के उपायुक्त महोदय अजय कुमार व एसपी श्री चंद्र मोहन जी ने औचक निरीक्षण किया। वहीं लोगों को बचाव के लिए संदेश भी दिया। देखिए यह रिपोर्ट। सर नमस्कार। सर जो हॉस्पिटल है अपना, इसमें ऑक्सीजन की मात्रा बहुत कम आ रही है, उसके विषय में कोई समाधान अगर हो जाए तो? मतलब बेसिकली अभी यहाँ पे 13 पेशेंट कोविड के एडमिटेड हैं और उसके हिसाब से ऑक्सीजन की सप्लाई जो है वो दी जा रही है। सो जैसे ही पेशेंट्स एडमिटेड और होंगे, सो सिमिलरली हम जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल से जो हमने और या महेंद्रगढ़ में भी हमने उसमें सप्लाई के प्रावधान किए हैं, तो वहाँ से सप्लाई इनको कर दी जाएगी। ये महामारी जो है सर, ये बहुत ही विकराल रूप ले चुकी है, इसमें आप महेंद्रगढ़ जिलावासियों से क्या आग्रह करना चाहेंगे, क्या उनको संदेश देना चाहेंगे? और केसेस जो हैं ज़िले में पिछले एक हफ्ते में काफ़ी ज़्यादा संख्या में आए हैं और अभी जो लॉकडाउन के कर्फ्यू के नाइट कर्फ्यू के जो ऑर्डर्स हैं वो पारित किए गए हैं। इसलिए सभी से मैं ज़िलावासियों से ये अपील करता हूँ कि उन सभी गाइडलाइंस की सुचारू रूप से पालना करें, ताकि जो इसका कोरोना का संक्रमण का चक्र है उसको तोड़ा जा सके। अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रखें, घर से बाहर ना निकलें। COVID-19 के गाइडलाइन के बावजूद भी जो बाहर लोग घूम रहे हैं, तो उन लोगों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? देखिए ऐसा है, कुछ चीज़ें जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो सरकार की तरफ से खुली हैं, केवल वही लोग हैं। और नियमित तौर पर हम लोग 188 की FIR भी इनके खिलाफ़ किए हैं। आप देखेंगे कि शायद हरियाणा में तीसरे चौथे नंबर पर हम FIR के सिलसिले में, FL के मामले में। तो इसमें लोगों को बिल्कुल स्पष्ट संदेश है, फालतू जो भी आदमी बाहर दिखेगा कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। देखिए ये एक राष्ट्रीय स्तर की एक आपदा है जिसके अंदर सभी लोग अपना एफर्ट दे रहे हैं, पुलिस कर्मचारी भी है, सरकार के जितने भी विभाग हैं, सभी लोग अपना बेस्ट दे रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि लोगों का इससे बचाव हो। लॉकडाउन भी सरकार ने इसी लिए लगाया है कि इसको हम फैलाव को रोकें, इसको स्टेबल करें। तो मैं सभी लोगों से यही अपील करूँगा कि आप फिलहाल जिस तरह की सिचुएशन है उसको देखते हुए अपने घरों पर ही रहें तथा इस बीमारी को और फैलने से रोकें, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की जान बचा सकें। आज DC और SP महोदय अपने कैना हॉस्पिटल में आए थे, वो किस हेतु आए थे थोड़ा सा बताइए? ये इसलिए आए थे कि यहाँ कोविड ये सेंटर बनाया गया है सरकारी हॉस्पिटल, तो उसका निरीक्षण करने आए थे और निरीक्षण करके चले गए। जो दिशा निर्देश थे डॉक्टर को स्टाफ को बताए गए हैं, और यहाँ जो स्टाफ को दिक्कत थी या जो कमियाँ थी उन्होंने उनको DC साहब को अवगत करा दिया है और DC साहब ने उसको जल्द सही या पूर्ण करने का आश्वासन दिया है। अभी आप इस कोरोना महामारी के चलते अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये देना चाहेंगे कि भाई महामारी तो है, अब सरकार भी कहाँ तक, आम जन को भी इसमें सहयोग करना पड़ेगा और अपना मास्क लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, साफ सफाई रखें और सरकार की गाइडलाइन का पालन करें, तो इसे बचा जा सकता है। अगर ऐसे यूँ ही घूमते रहे और यूँ ही, मेरा तो एक स्पेशल वो जो है ना अपना ये फल सब्जी वालों को एक मेरा निवेदन है उनसे कि इस कार महामारी में भी आपने जो है ना सफल सब्जियों के, ज़रूरतमंद बीमार लोगों के की ज़रूरत की चीज़ों के रेट बढ़ा दिए हैं, वो मानवता के नाते इस बात को गंभीरता से, कल नंबर उनका भी आएगा, उसके के रिलेटिव का आएगा, तो इसमें कालाबाजारी ना करके ईमानदारी से लोगों का सहयोग करें। ठीक है, नमस्कार जी। ठीक हो सर? ठीक है। जो ये COVID-19 महामारी की दूसरी लहर इतनी खतरनाक चल रही है, तो इसको लेके आप अपने क्षेत्रवासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? ये जो कोविड की दूसरी लहर जो अब की बार आई है, पहले से 4 गुना अनुमानित है कि भाई 4 गुना ज़्यादा आ रही है। क्षेत्रवासियों को यही है कि आप प्रतिदिन जो केस 800 से ऊपर चले गए हैं जिले में, जो कि पहली लहर में
100 पार करना ही मुश्किल हुए थे, अगर 800 से ज़्यादा केस है। तो क्षेत्रवासियों से यही अपील है कि वे अपने जब आइसोलेशन का पालन करें, डिस्टेंसिंग मेंटेन रखें, वही जो सरकार पिछली बार कही थी वही चीज़ें अब की बार। अभी डीसी साहब आए थे तो बैठ के कुछ बढ़ाने की उम्मीद करें? अगर बेड हमारे पास अभी जो लोड चल रहा है उसके लिए हिसाब से ठीक है, कुछ बेड महेंद्रगढ़ में भी बढ़ने वाले हैं तो ठीक है। अभी ऐसा कोई पेशेंट यहाँ से निराश होकर के बिना बेड की कमी से कोई लौटा नहीं है, बाकी बेड बढ़ाने पड़ेंगे तो हम बढ़ाएंगे। तो अभी कितने बेड हैं सर? अभी 13 बेड ऑक्सीजन के हैं साहब, जिन पे 13 के 13 भरे हुए, और बाकी पेशेंट 450 करीब हैं जो ऑब्जर्वेशन में हमारे चल रहे कंटिन्यूस। ऑक्सीजन की जो मात्रा यहाँ पे ठीक है स्थिति? ऑक्सीजन की थोड़ी सी दिक्कत है क्योंकि सिलेंडर हमारे पास थोड़े कम रहे हैं, तो उसके लिए हमने उच्च अधिकारियों से CMO साहब से भी रिक्वेस्ट करी है, जल्दी इसका समाधान करने के लिए कह रहे हैं कि जल्दी हो जाएंगे। यही हमने जिला उपायुक्त साहब से भी रिक्वेस्ट की है कि थोड़ा ऑक्सीजन की हो जाए तो थोड़ा कम्फर्टेबल हो जाए, बाकी सब ठीक है।